अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? 5 से 6 दिन हो गए हैं, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मौसम तो खैर नॉर्मल हो गया है, आराम से हमारे परिंदे भी रिलैक्स हैं और हम भी रिलैक्स हैं। सितहन पता नहीं यार किस चीज में लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही है, क्या था कि कहीं पर लगाना है, मुझे नहीं पता। खैर इसको लगाने दो, अभी लगा दो ना, वो वहां लगाने। सेटिंग सही है, देखो हम बिल्कुल ओके है। ठीक है, हो गया, सही है, ठीक है, ओके है। यार अभी हमने क्या करना है कि हमने अपनी मछलियों को देख लेना है, क्योंकि हमने क्या करना था कि आज पानी को चेंज करना था मछलियों का, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है तो मुझे समझ नहीं आ रही इसका पानी चेंज करें या ना करें। सिप्तान, मछलियों का पानी चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी कर लेते हैं यार, क्योंकि 4-5 दिन हो गया नहीं किया। तो चलो इनका तुम ड्रेन खोलो, ठीक है, जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा गंदा मैला। ठीक है, चलो करो। तो यार सिप्तान तो लग गया है सफाई में और बारिश दुआ करे थोड़ी सी रुक जाए और आराम से हम काम कर पाए, क्योंकि यार आजकल कोई पता नहीं है, कभी सूर्य निकल आता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी फुल अंधेरा हो जाता है, काले बादल आ जाते हैं और हमारी बुलबुल बेचारी भी डिस्टर्ब हो रही होगी क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं। और हम देख लेते हैं इसके बच्चे मेरे ख्याल में यार बच्चे दो उड़ गए हैं इसके, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे, अभी एक बच्चा हुआ है, 3 थे टोटल। तो यार मैं कबूतरों के पास आ गया हूँ और इनको देख लेते हैं कि इनकी कंडीशन कैसी है। क्या हुआ? एक मछली मरी हुई है, कलर वाली। ओए कौन सी फिश है? ये तो मूली फिश है, एक मर गई। देखो बाकी ठीक है। ये क्या कर रहा है यार मगरमच्छ? क्या कर रहा है यहाँ पे? और किसके काम हो सकते हैं श्यान के अलावा? यार देखो इसके इसमें जाके बच्चे तो नहीं। तो यार एक मूली फिश हमारी मर गई है बेचारी, पता नहीं यार ऐसा क्यों हुआ, मैला पानी होगा या कुछ और भी हो सकता है। तो एक हमारी गोल्ड फिश मरी थी और एक हमारी ये वाली मूली फिश मर रही है, दो हमारी मछलियाँ मर गई हैं, बाकी अभी हमारी ठीक है मछलियाँ। अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, बस इसी तरह से कम रहे और हम आराम से यहाँ पर काम कर सकें। ये लो इसे साफ करो। और एक चीज दिखाऊं तुम्हें? क्या हुआ? ये देखो बच्चे भी आए हुए हैं। कौन सी फिश ने दिया पता नहीं, इनका लग रहा यार। कहाँ पर था ये? इधर ही। हाँ मेरे हाथ में आ गया ना, माशाल्लाह। ये भी क्या है इसमें यार? और भी होंगे देखो, नजर आ जाएंगे। अभी मैंने इसको अंदर छोड़ दिया है और जो हमारे बाकी फिशेज है ना उनको मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि सफाई सही नहीं हो रही इसमें, तो मैं मछलियां पकड़े इसमें डालूंगा, उसके बाद फाउंटेन की सफाई करूंगा। दोस्तों हमारी मूली फिशेज ने बच्चे भी दे दिए हैं। अभी सिप्तान सफाई कर रहा था तो उसमें से एक मूली फिश का बच्चा उसके हाथ में आ गया, और पता नहीं कितने बच्चे हैं, बहुत ही छोटे हैं, आसानी से हम देख भी नहीं पाते, तो सफाई के दौरान ही हमें नजर आए। चलो पकड़ो। अच्छा हाँ ऐसे तरीका सही है, थोड़ा तो मजा ये गई ऐसे यार। तो दोस्तों मौसम साफ होना शुरू हो गया है, वहां से मुझे लगता है कि अब सूरज निकलेगा। ऐसा ही होता है यार, कभी सूरज कभी बादल कभी फुल अंधेरा, अब देखें मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। पानी डालो। अरे माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें, ये भी एक बच्चा है मूली फिश का, बहुत छोटा है यार, नजर भी नहीं आता। चलो इसको डाल दो पानी में, डाल दो बस, काफी है, बस अब चलो। अब ओए पानी खोलो, पानी कम हो गया है। चलो हो गया, बातों में भूल रहे थे। चलो अब ये भर जाएगा। तो यार हमने गंदा पानी साफ कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा फुल होने में। हाँ क्या हुआ? आप कब आए हो? मैं अभी अभी आया। अच्छा ये किसके हैं? मेरे। अरे तुराब काम देखो इसके। मेरे भी ला लो मामू। हाँ जी मामू। मेरे? हाँ जी। आपके नहीं है ये फिर? हाँ। एक बात बताओ ना, किसके कबूतर हैं, आपके हैं या तुराब के हैं? मेरे। अच्छा फिर हम क्या करें? जब मैं आप रख लो, जब मैं जाऊंगा लेते जाऊंगा। ओ जी तुराब भाई काम चेक करो इसके। घर में कोई नहीं था इसलिए मैं कबूतर ले आया। अच्छा अकेले थे इस वजह से? हाँ जी। हो यार वो कह रहा है कि हम जब आए ना तो घर में कोई नहीं था, अकेले थे कबूतर, तो मैंने कहा लेता आता हूँ, चलो यहाँ पर जो ना तुराब जो है ना देख लेते हैं। पन्नी कटे हुए? तुम ऐसे खोल रहे हो? इनको संभाल के रखो भाई, लकी है। ये पर कटे हुए हैं यार, तुमने ऐसे ही डरा दिया। इसके भी थोड़े पर हैं, ये कहीं नहीं जाता। ये भी अच्छा। ये वैसे ये उड़ते भी नहीं है, लकी है। बच्चा भी है इनका। पूरी फैमिली लेके आ गए यार तुम तो। और कबूतर भी हैं तुम्हारे? नहीं। तो यार 3 कबूतर हमारे घर आ गए हैं मेहमान, 2 लकी और 1 उनका बच्चा। तो ये इसके माँ बाप है इस बच्चे के,
तो ये एक से दो दिन के मेहमान है, जब ये जाएगा बच्चा तो लेता जाएगा घर वापस। और हमारा लकी भी इधर ही है और खरगोश भी इधर ही है कबूतरों के घर में निकाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे डरा रहा हूँ, जाओ जाओ भागो। चलो जी, चलो जी, देखो अपने रिश्तेदारों को। अब गुरु तो भी बहुत ज्यादा करेगा ये देख। तो यार एक काम करो, थोड़ा अब तुम जाओ इसके लिए फीमेल लेके आओ, सबसे पहला काम यही, बाकी काम बाद में। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। तो इसकी भी हम यार फीमेल लेने जाते हैं अभी, क्योंकि ये देख रहा है कि उसकी साथी है मेरी नहीं है, तो इसके लिए हम लेकर आते हैं, अभी लेकर आते हैं। सही, दुआ कीजिएगा कि हमें कबूतरी मिल जाए। मौसम तो खराब है, बारिश हो रही है ना, तो चलो यार ट्राई करते हैं। यार ये लग रहा है मुझे जो है ना लकी कबूतरों का ये पेयर है यहाँ पर, तो ये मुझे मेल लग रहा है और वो फीमेल लग रही है मेरा अंदाज़ है। और वो देखें डिफरेंट है फीमेल, और हमें फीमेल ही चाहिए। ये मादी है ना भाई साहब, कह रहे हैं कि ये जो है ना ग्रे वाली मादी है, तो हमें मादी ही चाहिए। कर लिया है भाई, इधर से डील भी होगी, मैं इधर बता रहा हूँ उधर से डीलिंग हो गई है। तो उतरा भाई ले रहे हैं वो वाली फीमेल, अभी निकालते हैं हम यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लकी कबूतर के लिए उसकी कबूतरी लेकर आ गए, और बहुत ही यूनिक है, बहुत प्यारी है, मुझे तो देखते ही अच्छी लगी। अभी सिप्तान अभी देख ही रहा था, मैंने भाई को पैसे दे दिए और बोला कि यार सिप्तान उठाओ और चले हम। तो इसका जो फेस है ना, ये देखें यहाँ से वाइट, और ये इसका ग्रे, और यहाँ से भी ये ग्रे, यार बहुत प्यारी है। और इसका किधर है यार हमारा लकी, किधर है ये तो नहीं, हमारे वही है जो मेहमान है दो दिन के। अच्छा ये वो है, साइड पे रखो और अपने यार कबूतर को ये कबूतरी दिखाओ, बहुत खुश होगा। और इसका बच्चा लकी कबूतरों का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, निकालो। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो। ये बच्चा ये तुम्हारे हैं, तुम लोगों के, ये तीनों जो है ना इसके हैं। लकी कबूतर के बच्चों का नहीं बताया था तुमने, क्या हुआ उनके साथ? यार वो लकी कबूतर के बच्चे ना यार वो बिल्ली लेके चली गई है। वो क्या था कि मैंने ना उनको पर्दों पर बिठाया था कि वो घर के पक्के हो जाएं, तो बिल्ली आई है तो वो उठा के चली गई अचानक ही, दोनों ही लेके चली गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपको कैसे बताऊं, अभी सिप्तान ने याद दिला दिया। क्योंकि आप इस दिन इस बात को कितना टाइम हो गया? तीन दिन हो गए होंगे, तीन दिन बताया नहीं तुमने, डरता है यार ये बताता नहीं है फिर। चलो यार ये कबूतर और ये उसकी कबूतरी, तो हम इसको ना यहाँ पर बिठा देते हैं पर्दे पे। हाँ तो इसको सरप्राइज मिला है आज, इसकी कबूतरी प्यारी सी मिल गई है इसको। जो पहली थी कबूतरी वो वाइट थी, लेकिन इसकी शक्ल चेंज है काफी। और ये देखते हैं यार इसके पास आता या नहीं आता, तो सर वेट करते हैं और रिएक्शन चेक करते हैं हम इस कबूतर का, इस कबूतरी के साथ में। इनको वापस रख दो, वापस रख दो, बाहर ना निकाला करो इनको तुम यार। जरा ये करीब आ रहा है भाई उसके, देखे लगता है इनका बहुत जल्द पेयर बन जाएगा, क्योंकि इसकी कबूतरी को गए हुए तकरीबन दो हफ्ते तीन हफ्ते हो गए हैं इसको, इसकी कबूतरी को मरे हुए, बिल्ली ले गई थी उसको भी यार, तो घबरा रही है वो, लेकिन ये लिफ्ट नहीं करा रहा उसको वापस आ गए। तो राब ने कहा है इस कबूतरी को पकड़ो और इसको उस कबूतर के डरबे में ही छोड़ दो, और इसकी फुल केयर करनी पड़ेगी हमें, डरबे के अंदर ही रहना होगा इसको, तभी इसकी केयर हो पाएगी। और हमारे मास्टर केज में देखें दोस्तों, बहुत सारे कबूतर और हमारे मिनिएचर चिकन और हमारे डक्स बहुत ही प्यारी लग रही हैं एक साथ। तो इनका ये हल निकालना है कि पिजन्स का, कि हम इनको वापस उसी डरबे में शिफ्ट कर देंगे जो ही इनके पर निकलेंगे। बाकी ये जो हमने कल कबूतर पकड़ा वो कहाँ गया ये बताएं, ये वाला कबूतर है ना दोस्तों जो, इसके लिए हमने फीमेल लेकर आनी है। और मुझे नहीं पता इसकी ब्रीड क्या है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये वाली ब्रीड है ये वाली, कोई एक सेम कमेंट्स नहीं थे, कोई क्या कह रहा था भाई, कोई क्या कह रहा था, तो समझ नहीं आ रही यार इसके टाइप की कौन सी फीमेल होगी। तो हम देखेंगे ये कबूतर, हम लेकर जाएंगे और उस भाई को बोलेंगे कि इसके हिसाब से कोई फीमेल दे दें, ऐसा ही हल निकालना पड़ेगा, और कोई हल हमें नजर नहीं आ रहा। बस यार खुराक का टाइम हो गया मछलियों की, तो हम अभी दे देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी इधर, बस इतना ही काफी है, तो ये खाती रहेगी। यार ये क्या यार बार बार इधर आ जाती है, लाइट अभी तक यार दोस्तों नहीं आई, लाइट जो ही आएगी हम फिर ये नल खोल देंगे। लाइट के ना होने की वजह से टैंकी सारी खाली है पानी की, तो परेशानी हो रही है थोड़ी सी, तो ये बार बार गोल्ड फिश हमारी टेढ़ी हो रही है। चलो ठीक है, अभी भी इतना मसला नहीं है, शुक्र है हमने बंद कर दिया था ड्रेन। ऐसे ऐसे आते जाओ ऐसे, आप कैसे भाई, जो मेहनत की थी वो भी जाए। हाय हाय, वेरी गुड, उधर से जाना चाहते ओ, ओ, बस 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 क्या गया बंद कर दो। तो भाई ये है खाना डालने के लिए ना, ये हमने बनवाया था,
इसमें खुद ब खुद रैबिट जाएंगे और खाएंगे, इसलिए था ये भी खाना खाने के लिए था और ये वाला भी। ना हम ये यूज कर रहे हैं ठीक है, और ना ये वाला। तो यहाँ पे डालते हैं, देखें कितना कचरा हो गया, जिसकी वजह से इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। और अब देखो मैंने इसमें डाला है तो ये रैबिट्स आके खा रहे हैं, ऐसे ही हम इधर डाल देते हैं। तो यार ये शिपटेन ने बहुत ही अच्छा किया, घास को इधर ही डाल दिया। यार देखो कैसे खा रहे हैं सारे, माशाल्लाह यार बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। हमारे सारे खरगोश इस बॉक्स में आ गए और घास खा रहे हैं। इनको भूख भी लगी होगी क्योंकि रात के टाइम भी खाते हैं और सुबह सुबह भी खाते हैं। दोपहर को हम इनको दाना डालते हैं और रात को और शाम को घास आजकल डालने लगे हैं हम। तो इनको अपने हाल पर छोड़ते हैं यार, ये खाना खाते रहेंगे और रात भी हो गई है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।